राम किसान भाइयों, तो कैलो सबके भाई, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आप भाई स्वराज 735 FEE। आप भाई ट्रैक्टर देखने वाले, तो भाई इसके बारे में बात करें, कैसा ट्रैक्टर है, इसमें अच्छाई क्या लगी, बुराई क्या लगी। हम यहाँ से जा रहे थे भाई, तो सोचा कि भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनका अनुभव कैसा रहा। और भाई इनको ना 10 साल हो गए चलाते हुए ट्रैक्टर, और ऐसा कोई भी ट्रैक्टर ना रहा होगा जो इन भाई ने नहीं चलाया होगा 10 साल के अंदर। हर कंपनी का ट्रैक्टर चला के देख लिया, लेकिन आखिरी में स्वराज जी क्यों लिया इस भाई ने ट्रैक्टर, ये सोचने वाली बात है। 10 साल के अंदर हर ट्रैक्टर चलाया, पर स्वराज जी ऐसा क्या पसंद आया इसके अंदर जो इस भाई ने लिया। तो इस भाई से बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या हाल है भाई साहब? अच्छे। क्या हाल है? बढ़िया भाई। अच्छा, क्या नाम है, कहाँ से हो? अक्षय नाम भाई, गांव जेवरा। अच्छा भाई, कौन सा ट्रैक्टर है, कब लिया सर, क्यों लिया था? और आप बोल रहे कि मेरे को ना 10 साल हो चलाते हुए ट्रैक्टर, तो 10 साल चलाने के बाद आपने हर ब्रांड का चलाया है, ये स्वराज जी क्यों पसंद आया भाई? इसकी खास बात बहुत है, माले खर्चा भी बढ़िया, मेंटेनेंस खर्चा इसका, और खिंचाई बड़ी ज़बरदस्त खिंचाई है, अपना यही पसंद आया। और सारे तकरीबन चला के देख लिए, कोई मज़ा नहीं आया। मजा नहीं आया, बस अपना इसकी रुचि थी, मैं स्वराज ही लेवा, अपना बढ़िया पसंद आया ट्रैक्टर। हाँ, हर चीज़ में क्या ही मजा उड़ते, उल्टा नहीं हटके लेवा, बढ़िया टूटा वेटर में जोड़ दे, क्या ही में जोड़ दे, माले 50 HP का ट्रैक्टर जितना बराबर काम कराए हो, तो वो ट्रैक्टर फिर आप क्या लेने वाले? अच्छा, कहाँ से ले रही सारते? हाँ। अच्छा, आपने इससे पहले कौन कौन चलाया है ट्रैक्टर? आपने भाई मतलब किराया काम कराया करता पहले, किसी और चला करता ट्रैक्टर? मैं हाँ, खुद के भी थे, जो अपना आईसर था 241 है, पावर ट्रक था 434 है, और फार्म ट्रक भी था अपना चाचा का, ने भी मैंने 2-3 ट्रैक्टर चेंज कर दिए, मैसी भी था। अच्छा, हाँ, अपना कोई मजाड़ी बात को नहीं आई, मैंने ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखी मैं ट्रैक्टर अपना, क्यों बस नू है कौन ही, मैंने वो आदम वाली बात सी कौन थी, इतनी ट्रैक्टर पर फार्म ट्रक था, जो कर अपना रोड का काम था, जो कर किराया का, तो रोड पर कौन इतना कामयाब, बबलिंग ज़्यादा देर लाई जो है ट्रैक्टर अगला अगले टायर, रूटावेटर में जोड़े रखा हूँ तो ये सारी आना, जो कर एक दिन पूरा दिन दौड़ दिया तो जो कर 8 फुटा रूटावेटर की मन की मैं तोड़ गया, अपना इस टाइप बढ़िया तो है ही नहीं, कि मैं अपन तो यही है जो कुछ भी है, अरे बाग ले आवाएंगे तो भी 44 ले आवाएंगे जो कलिए, हाँ 44 स्वराज ले आवाएंगे, जो जिस दिन क्लियर हो गया 44 ले आवाएंगे, 44 क्लियर हो गया बिल्कुल ले आवाएंगे, लेना स्वराज। हाँ, लिया स्वराज तो और कंपनियाँ पे ना, फिर ले आवा ना, पे किसी से लेने दिया अपना भाई ने मित्र ने यो ही दवाएँ, बढ़िया ट्रैक्टर है, सही बढ़िया है। तो मैं लोग कोई है कोई ट्रैक्टर कोई इन नाम का? अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे नाम कोई लिया किसी का? हाँ हाँ, उसने और लेना तो आप उसकी कौन लेने दो भाई, तू स्वराज ही लिया ना, तो यही रह दवाएँ भाई, इस तो बढ़िया तो है कौन, ये भाई ने दुआए भाई, 2 ट्रैक्टर दुआए अपने रखे, मेरे गाँव में दुआ रखिया 35 दुआ रखिया 44 दुआ रखिया मेरे गाँव में लेके जा रही, ये दुआ है 7वें महीने 5 नंबर ने लिया था, 8वें महीने की एक ने दुआ, मेरे तो 10-15 दिन पास एक ट्रैक्टर दुआ है 35। वे कौन चला करते वे ट्रैक्टर? एक पर था 241 था, एक पर पावर ट्रैक 34 था, तो पावर ट्रैक 34 वाला मेरे तो एक दिन बोलिया कि खास बात मत तू चला के देख ले, मेरे को लजूर बाड़ू बुड़ू का काम कराया तो मेरा 2-4 दिन ट्रैक्टर चला दू बोलिया 35 ही लेना है, मैं चाल रहा एजेंसी में, वो एजेंसी में वो हमने उसका बिकवाया 260 का बिकवा के, हमने पुराना ले रहा था वो पावर ट्रैक 34 कच्चा दुआ दिया भाई उसी दिन। हाँ, भले 2-4 दिन में अपना उसका बिक गया, अपना उसकी दुआई लिया भाई बेच दे, और 241 वाला है वो भाई ले रहा 41 ने मैंने बोलिया भाई खड़े रहे होगा रोटी पुड़ी में, बाकी 44 ले रहा भाई किराया का काम कर लगे थोड़ा, अच्छा कंप्यूटर गोड़ी जोड़ ले मेरे भाई इस पर 35 पर वह भी पड़ गया, और कौन पड़ सकता मुकाबला है, कौन पड़ सकता भाई फार्म ट्रैक, हाँ पक्की बात है भाई, मैं सारा मुकाबला देख लिया, मैं सारे काम करके देख रखे हैं ना, को 34 की बस के बाद ना फार्म ट्रैक, 45 तो बुलाए पड़ गए भाई, बाकी ये 42 है ये 39 HP है ये कौन पड़ा भाई, इसमें क्या मुझे दिया आपने 10 साल चलाया ट्रैक्टर? हाँ, वो भी भाई 9-10 साल चला देते हैं। इस बीच में आपने क्या देखा, कौन सा कंपनी का बढ़िया हुआ ट्रैक्टर इसकी छोड़ के? इसकी छोड़ के तो और गए, मन तो यही बढ़िया लगी लास्ट में, मैं तो इसी पर मन तो गया भाई, हमें कौन मैं तो यही पसंद है, यही पसंद मतलब एक ही ब्रांड पसंद है। हाँ, यही ब्रांड 10 साल के, हाँ यही पसंद आ भाई। क्या उम्र थी आपकी उस टाइम जब उसको क्या चलाना भाई? उम्र तो क्या यही होगी 14-15 साल होगी, 14-15 साल उम्र जित सीख गया भाई ट्रैक्टर में। अच्छा, हाँ तेरे मेरे का भाई पड़ोसी था अपना, उसके चलाने लगे तुम्हें सीख गए पहला ट्रैक्टर भाई, 241 सीख गया था। अच्छा, हाँ
उसके बाद में भाई ये सीखा था अपना आज सर 333 ये तो लादा थोड़े दिन में ले नौकरी करी थी भाई 2-4 महीने उस पर फिर आगे जुकर कदे चेंज होते रहे मैं ले कदे फार्म ट्रैक पा गया कदे पी कैम पा गया नु चेंज कर दे रही मिल गया अपने हर बने से ले ट्रैक्टर। हाँ ट्रैक्टर तकरीबन सारे चला लिए स्कोट भी चला लिया वीर प्रताप भी चला लिया हमने जो बहुत पुराना मॉडल है वो किसका था भाई वो भाई खेतड़ खड़ा है गाँव में ताऊ के पास मैं उसका चला रहा वीर प्रताप उसका क्या था भाई मैं 2-1 महीने नौकरी करी थी उसका प्लांट में चला करता थर्मल मैं टैंकर पर तो जी चला था मैंने ट्रैक्टर ठीक था वो भी वीर प्रताप मॉडल के हिसाब से बढ़िया ट्रैक्टर था बाकी ये तो तैयार कि मैं काटे जाओ ये काट रखे है 34-40 ये 2-3 साल में खिंड जाए ट्रैक्टर बेरा नहीं बस हल्का सो दावे हैं एक इसका शो का रंग है नहीं पावर ट्रक का जिदे उड़ जाएगा 2 साल में और अपना ऐसा राज है मेरे भाई ना तो रंग उड़ा है और मतलब इसमें कोई दिक्कत आवेगी नहीं 8 फुटा रोटावेटर खुला खींचा भाई यो ट्रैक्टर हाँ यो मन्ना खुद मन्ना जोड़िया भाई मैं गने गुने भाई अपने है 6-7 किले खेती करा हाँ मतलब 85 जमीन लिया करा 6-7 किले खेती करा हाँ तो 8 फुटा रोटावेटर अपन मतलब जुड़े इसका पास देखा माँ की साके खींचा है और एक ट्रैक्टर है भाई कोई कोई यार नहीं ट्रैक्टर का इस चक्कर में तो मैं 44 को लिया मैं 44 भर का काम कर ला गया ये मेरे भाई इस तरह सोचू मैं महीना 2 महीना डबल जोड़ा डंपर लाऊंगा और इसके पास चलाऊंगा भाई हाँ करूँगा एक ट्रैक्टर और लिया हुआ भाई 44 है और मैं 35 के पास से दौड़ूंगा डबल दौड़ा वो 44 के पास से दौड़ा देख आज जी भाई कैमरे रोड पर कहते देख लिए सिंगरान तो लिया हुआ कैमरे रोड पर गिरा है आइस के पास से डबल जोड़ा डंपर चल रहा शिवानी तो मुआ है नया डंपर और बता भाई कि मैं पूछा के बता दें जी जी है जानकारी किसी बता दें भाई ने क्या बात तो यो आपने कितने बजे ले ट्रैक्टर लगा था मतलब उतना खींच गया मैंने मन ना यो फुल शूट के लिया भाई पूरा रमा कर क्या दे लिया दिया रहा मैं जितना रमा शायद किसी ने ग्रैब नहीं होगा अभी तक इतना रमा कर क्या मैंने भाई कटाने इसके लिए पूरे 40-42 किले काटे हाँ रेगुलर थमे को नहीं 2 दिन पूरे 42 किले काटे मैं लिया अपना टिब्बा में लेके एक दो भाई और ले रहे थे 35-44 ले रहा था अजमा के देखने लगे उनकी खूब जोर मरा है तो बंद नहीं हुआ ट्रैक्टर भाई पर बंद करना चाहो था वो ब्रेक का किस तरह के इंटाट लगा के तो बंद नहीं हुआ ट्रैक्टर और उसका बंद हो गया 35 आवड़ा बंद नहीं हुआ और हम इतना बढ़िया कर पा रहे हैं तो फिर आपने इसमें खड़े ब्रेक मार रहे हैं एकदम ब्रेक मारने पड़ा कुत्ता बिल्ली है हाँ हाँ जमा खड़े थोड़े जाऊँ कोई सलप नहीं कोई और ना कोई टायर की सर तुरंत जाऊँ तो कितने सारी इट लेके जाओगे आप ये कम से कम इसमें 1500-1600 जाओगी 1400-1500 तो उठा आगे उठा जरूर है लेकिन तकरीबन तन बेरा है लोड हो तो उठा पाछे जोर लावा है हाँ लेकिन और ना और जी को नहीं उठना उठना वाला काम नो को नहीं अपना को पावर ट्रक जो पावर ट्रक तो केवल ट्राली में गल जाए भाई मिनट में धोखा दे दे पावर ट्रक देखो हाँ। है अपन जड़े नहीं अपन तो मैं को कटे क्यों ट्रैक्टर जमा घटिया मत ला के देखा भाई अपन कोई मजा नहीं आ को स्टेरिंग में मजा उसका ना को पावर स्टेरिंग दे रखी ना को ब्रेक है को मतलब को खास बात को नहीं एक आवाज बजड़े पसंद को नहीं किया पान जा को नहीं पसंद ना ना बिल्कुल पसंद नहीं मेरे भाई उस तो फार्म ट्रक ठीक है बाइक का ट्रैक्टर है अच्छा फार्म ट्रक हो गया अपना 45 हो गया 60 हो गया और 42-42 तो है कुछ इतना कामयाब बाकी वो ट्राली का ट्रैक्टर नहीं बाकी 24 भी चला रखे अपना स्वराज बढ़िया है ट्रॉली का ट्रैक्टर है बड़ा मस्त मैंने तो बस सरकारी बस ने नहीं जाने देवा बात कौन सा 724 है अपना भाई खड़िया करा 724 है स्वराज है अपना भाई सारे टपा टपो के खा के ढहा गाइड दिया सारे का तो 724 है और 35 ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इनके पास एक ट्रैक्टर है स्वराज का वो हरियाणा रोडवेज की जो बस है ना उससे भी आगे निकल जाएगा तो आप क्या कहना है इस बारे में प्लीज़ हमें बताएं कमेंट करके अच्छा जी तो आप जो बैठे हैं आपने जो कंफर्टेबल लेवल है इसका वो किसा लग गया मतलब आरामदायक कितना लग गया आपने बढ़िया अच्छा सीट बढ़िया दे रखी हां जिम्मा बढ़िया सीट दे रखी जड़ जिम्मा और एडजस्ट कर ले आगे पीछे बढ़िया सीट है ना कोई आंखली ना और जुन कार में बैठे हां आंखली लग दी उन्होंने कितना बजा लिया आंखलियां मुझे अच्छा जो आपने लिफ्ट दे रखी है ठीक है आपने कितना यूज कर लिया जो लिफ्ट दे रखी लिफ्ट देख लो अपना कोई नु को नहीं जगह 8 फुटा रोटावेटर बहुत भारी हो गया है बाकी 3 सिलेंडर ट्रैक्टर जगह अपना 735 हो गया मतलब सोनाली का 750 हो गया
माले 8 फुटा रोटावेटर जोड़ा पास तकरीबन माले आगत उठन लाए ट्रैक्टर या फिर जो कुछ ज़्यादा वजन टाइटा लिफ्टा में उठन लाए जिसका कोई वो मतलब बिल्कुल नहीं उठना ठंडा बाकी और सारे देख लिए नोट दे। हाँ लिफ्टा का बढ़िया ट्रैक्टर है जमा एक नंबर लिफ्टा का तो मैंने गुजारे कौन दे कहीं हाँ 724 अपने पर ट्रैक्टर है बहुत बढ़िया रमा कर खैर रूम अपन वो हाँ उसके के लिए भी अपन कटाते 17-18 किले काटे थे हाँ उसके चक्कर के है ज़्यादा चक्कर हुआ है और फिर मैंने जोर में कह रहा ज़्यादा नहीं पाओ लेकिन भजन में कौन जाने दे भाई यह बात क्यों हमने खूब बजा भाई सरसा टैंकर लिया था मैं झूठ नहीं बोलते टैंकर पानी गया अपना बताओ सरसा टैंकर जुट के ले आए थे भाई यो नूको ले गया मैं नया कह रहा मैं 2000 तेल बीजे भाई वो 1500 में भी आ गया बाकी भाई टूटी छूटी दी गई थी ट्रैक्टर की। तो भाई साहब अगर किसी ने लेना हो तो आपके साथ उसने लेना चाहिए हाँ लेना चाहिए भाई मतलब क्यों स्वराज लेवल ले तो वरना ना ले नहीं भाई फिर आप काम करवा लिया उस तो बढ़िया तेल भाई पूरा जमानू खींच के बाओ नहीं 3 लीटर तेल लिया भाई एक सरार में हाँ रीबा पे करने लेके जाओगे ट्रेली रीबा पे जाऊँ या कैमरी जाओगी भाई हाँ या पड़जी मेरे भाई मन के चलो लगभग है 4 किलोमीटर जाना चाह रहा 8 किलोमीटर पड़जी मेरे भाई 8 महीने हाँ तो 8 में कितने रुपये तेल की ले गए यो अपना मान के चलो भाई 250 रुपया खर्चा है हाँ हाँ रेगुलर इस पर जाओ 250 रुपये खर्चा अपना मैं 1400-1500 रुपये पर चलो तो बढ़िया रोड पर इसका फालतू ना बजाओ भाई बात है भाई लाल में सुई जाओगी तो भाई तेल भी पीऊगा उस आवाज भी गया जल्दी पहुंच जाएगा लाने पर डिपेंड है जो आप हाँ, चलाओ हां तो लाने पर डिपेंड है भाई स्टीयरिंग का रिस्पांस किस आदमी इतना हैवी आप सामान लेके जाओगे हां तो स्टीयरिंग किस आकर है स्टीयरिंग बढ़िया है यही होना चाहिए आगे भी मत उनको इस तरह स्टीयरिंग देवा बढ़िया यही एक जो पहला दिया करते पुराने मॉडल में वो बस वाले स्टीयरिंग वो कोई कामयाब नहीं हाथ तोड़ते मेरे भाई मेरे गले मन लीजिए तो बताऊं मैं उसमें हाथ फंस जाए जो कर ट्रैक्टर है जो कर 10 दूसरे वो दिक्कत ज़्यादा दे वो स्टेरिंग अच्छा हाँ बाकी पावर स्टेरिंग में कट दिया 35 बढ़िया गया एक आप लोग होते आप जब अभी बात कर रहे कि ये जो ट्रैक्टर नहीं हाल भी आने लग गए पहले भी आ गए हाँ पहले उसमें के है यो अपना इनका पार्ट भारी आ करता है थोड़ा हलवा दे दिया है कि मटगार्ड है जो कर थोड़े हलवे मटगार्ड है ये देखिए ये नुला है और जो पाछा इसका थोड़ा वेट घटा रखा है हाँ ना पहले वाले मटगार्ड है एक अपना यार दोस्त ले रहा है पुराना मॉडल ले रहा है 735 उसकी शो भी दूसरी है लीला कलर में लीले मटगार्ड में भारी ट्रैक्टर है वो कम से कम 1 क्विंटल का फर्क है जो ये मॉडल ला रहा 1.5 क्विंटल वजन घटा रखा है लेकिन खिंचाई बढ़िया है नूनी कहते खिंचाई जबरदस्त है और तेल का खर्चा भी ठीक है बढ़िया एक आखिरी क्वेश्चन भाई साहब जो ट्रैक्टर आप किसे है सर्कल में क्या किसी मतलब ने सुनी हो कि ये जो ट्रैक्टर ने कितने घंटे चल लिया होगा मैक्सिमम किसे भाई जो आपने आई कोई सुनने सी बात वैसी तो कोई मैंने बात को देखी क्यों पहला अपना होगी मैंने अपन इबे रखने लगे हाँ 1.5 साल तक सवराज नीनू सोचा करते मैं सवराज ट्रैक्टर बढ़िया को नहीं जिस दिन तक इसका बारे में जानकारी मैं अपन मिली है बाकी जो भी यार दोस्त ले रहे सवराज नु कहे सवराज जी लेगी या भी किसी ने राय दी थी जिद ले अपन काम है किसा काम में हो मैं तोड़ा को नहीं कोई भी चीज मशीनरी ने तोड़ के राजी को नहीं हाँ जुगर अपना 8 फुटा रोटावेटर सारे दिन चले जाओ चाहे कोई नट बोल्ट तोड़ूंगा कोई मत बिल्कुल फार्म ट्रैक पास जोड़ दी 39 पास पावर ट्रैक पास जोड़ दी तू तेरे 6-7 किले पास किमें पक्का तोड़ा था इसने सारा दिन चला ली मैंने सारा दिन यूज कराया 8 फुटा रोटावेटर कुछ नहीं तोड़िया भाई मैं 8-7 किले खेती करूँ और किराया का काम करूँ बैचे कितने किले खोचो मैं इसके गले भी नहीं सोचू दिन में 10 किले का 50 किले काट दूँ 800 वाला जो चल नहीं यहाँ 1-2 किला फर्क पड़ जाएगा मैं इस पर बैठ के राजी हूँ बाकी भाई जिस दिन गली 855 ले आवांगे 44 ले आवांगे ना इस दिन ना तो जो आप आड़े पड़ोसी हैं जो खेत का आ रहा है इस आगू से भाई तो दिनों भी आपने टाइम दिया मारते ठीक है भाई।
तो भाई इसी कुछ आज की वीडियोज़ होगी आपने भी देखी, तो भाई बताना कि आपको कैसी लगी और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा।